बांदा जिला जेल में निरुद्ध बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अवधेश राय हत्याकांड एवं अन्य मुकदमों में पक्ष रखने के लिए फौजदारी मामलों के जाने माने विधायक श्रीनाथ त्रिपाठी को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने मुख्तार अंसारी का वकालतनामा दाखिल किया। बता दें कि मुख्तार अंसारी ने बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाए के दौरान अवधेश राय हत्याकांड एवं अन्य लंबित मुकदमों में वकालतनामा प्रस्तुत करने की अदालत से इजाजत मांगी थी। अदालत ने 21 जनवरी को मुख्तार अंसारी की अपील को मंजूर करते हुए बांदा जिला जेल के अधीक्षक निर्देश दिया था कि मुख्तार अंसारी को किसी एक परिजन अथवा अधिवक्ता से मिलने की अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करें ताकि मुख्तार अंसारी का वकालतनामा प्रस्तुत हो सके। इस आदेश के बाद ही नियत तिथि पर मुख्तार अंसारी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर अदालत ने 2 फरवरी को बांदा जेल के अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया था कि पर्याप्त सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 9 फरवरी को पेश करना सुनिश्चित करें। बताते चले कि वाराणसी में मुख्तार अंसारी पर कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के आरोप को लेकर केस चल रहा है। इस मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से अधिवक्ता पूर्व में तय नहीं था। अब अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी द्वारा वकालतनामा दाखिल होने के बाद माना जा रहा है कि केस को लेकर अब जल्द ही प्रगति होगी। हालांकि इससे पूर्व हुई सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी को वाराणसी में व्यक्तिगत तौर पर 9 फरवरी को कोर्ट में पेश करने को लेकर अदालत ने 2 फरवरी को बांदा जेल के अधीक्षक और बांदा के पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया था। अब इस मामले में आगामी 9 फरवरी को ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।